नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं देवश्री भट्टाचार्य। आज निम्स यूनिवर्सिटी राजस्थान के पास एक बहुत अहम दिन, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच यानी राजस्थान और इटली के देशों के बीच यूनिवर्सिटी ऑफ कैटलिका और निम्स यूनिवर्सिटी के बीच एक एमओयू साइन हुआ है। दोनों ही देशों ने अपने छात्रों के, अपने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को लेकर एक एमओयू साइन किया है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दो मेहमान, मैं उनका परिचय आपके साथ करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं वीटो मारमार्को, जो कि डॉक्टर हैं कैटलिना यूनिवर्सिटी के। वीटो सर, यू आर वेलकम हियर। और साथ ही रिचर्ड आसन भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जनरल मैनेजर हैं बिजनेस, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रिचर्ड, वी वेलकम यू हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू डॉक्टर वीटो सर, दैट वॉट इज योर एक्सपीरियंस ऑफ कमिंग हियर, हाउ इज योर एक्सपीरियंस ऑफ कमिंग हियर? Is extraordinary. I mean, it's such a different place with respect to the town I come from, with respect to Milan, that has a long history, but you have a long history as well. So it's two different cultures that meet, and this is a great thing. This is really a great thing. So, good. Okay, Richard sir, how do you feel coming here, Jaipur from Italy? It's a long way. So how do you feel? Well, it is a very long way, but I also believe that there are many things in common between Italy and India, and Rajasthan especially. We both have a long history, the mingling of different cultures, of different traditions, and we're both proud of those these traditions, of our histories, and this is why we feel not at home, but certainly in a place which is very similar to ours. So there is a great distance in terms of kilometers and miles, but certainly we have a very similar attitude towards culture, history, arts, and food. बिल्कुल, एक अच्छा वेलकम किया है, गर्मजोशी के साथ भारत में स्वागत किया गया है, और यहाँ आकर दोनों ही बहुत खुश हैं। भले ही डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इटली और भारत के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन दिनों की बात करें, गर्मजोशी की बात करें, कल्चर की बात करें, संस्कृति की बात करें, दोनों ही बहुत सिमिलर। और इसी के मद्देनज़र अपने छात्रों को और भविष्य उज्ज्वल करने के लिए दोनों देशों ने यानी इटली और भारत, निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर और यूनिवर्सिटी ऑफ कैटलिका ने एक एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। उसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर वीटो सर से अगर हम बात करें, वीटो, हाउ डू यू फील अबाउट दिस एमओयू? व्हाट इज द पर्पस? वेल, इज रियली अ गुड थिंग फॉर द स्टूडेंट्स। आई मीन, टुडे टुडेज वर्ल्ड इज सो ग्लोबलाइज्ड दैट यू कैन नॉट विन योर फाइट इन द लाइफ if you are not exposed to the international environment. So we believe that courses should be given to classes of international students. And the nice thing is when students from different countries, many different countries, meet. And this is what will happen in the project we have just started. Because the Indian students will get in touch not only with the Italian ones, but also with other foreign students that come in our university to get their degree. And then in the second year, some of them might come here and be exposed to Indian culture and be exposed to Indian business. This is a great thing. It's the way of making people collaborate. It's important for growth. तो दोनों ही देश यानी भारत और इटली, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान निम्स और साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ कैटलिका, दोनों देश मिलकर एक दूसरे को, एक दूसरे के देशों के छात्रों के लिए कुछ भविष्य पैदा करेंगे। एक साल ऐसा हो सकता है कि इटली से कुछ स्टूडेंट्स भारत आएं, और फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि सेकेंड ईयर की कोर्स में भारत के कुछ स्टूडेंट्स इटली जाएं। यानी कि बहुत मुश्किल है आजकल के दिनों में अगर आप सीमाबद्ध हो जाए अपने आप की दुनिया में और बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर ना करना चाहें। तो इसी की कोशिश में ये एक अहम पहल की गई है यूनिवर्सिटी निम्स की तरफ से और कैटलिका की तरफ से, जहां पर दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ ये मेमोरेंडम साइन किया है। फर्स्ट ईयर में कुछ स्टूडेंट्स इटली जाएंगे और सेकेंड ईयर में कुछ स्टूडेंट्स इंडिया आएंगे, एक दूसरे के क्रॉस कल्चर की तरफ से। ग्लोबलाइजेशन का भी जमाना है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, जहां पर दोनों देश एक दूसरे को समझ सके, कल्चर समझ सके, एजुकेशन की नीड को समझ सके और
अपनी पढ़ाई उस दिशा में पूरी कर सकेंगे. रिचर्ड, नाउ माय क्वेश्चन इज टू यू दैट हाउ डू यू फील अबाउट दिस एमओयू, हाउ विल गो दिस थिंग्स. वेल, आई वुड ऐड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट Indian students coming to university will enrich our experience, will enrich the experience also of our students. Exactly. Because I think Indian students can bring with them their experience, their history, their tradition, and this will really truly make our master degree, which is already called Master in Strategic Management for Global Business, truly more global, because we will have another point of view that will join our class, and this will really expose all our students, Italian and foreigners, to another point of view, the Indian point of view, and this will definitely bring value to the program. On the other side, as Professor was mentioning, the opportunity for our students, Italian and foreigner students, to come to India. Will truly turn this program into a global program. बिल्कुल, तो दोनों ही देशों के छात्र जब मिलेंगे, साथ पहुंचेंगे, तो निश्चित तौर पर संस्कृतियां और ज्यादा एनरिच होंगी और ज्यादा समृद्ध होंगी. पढ़ाई के क्षेत्र में भी करें, एजुकेशनल लेवल पर भी करें, तो वो दोनों संस्कृतियां ही बहुत ज्यादा एनरिच होंगी और समृद्ध होंगी. उसके बाद विटो, आई वुड लाइक टू आस्क दैट व्हाट इज योर एक्सपीरियंस ऑफ कमिंग, हाउ डू यू फील अबाउट दिस NIMS यूनिवर्सिटी. Oh, it's a great institution. I mean, it's large, it has all the faculties, it has facilities that are difficult to find. I mean, this studio is incredible. I mean, it's really very good. Mr. Hassan was directing a studio, so he can tell these things even better than I. So, great university, great opportunity to start a trip together. एक साथ मिलकर काम करने का, एक साथ मिलकर और ज्यादा ऊंचाइयां हासिल करने की तरफ से ये बहुत अच्छा, और NIMS यूनिवर्सिटी निश्चित तौर पर अच्छा, वो कह रहे हैं एक बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी जिससे छात्रों को एक उज्जवल भविष्य बनाने का सुयोग्य अवसर मिलता है, सुनिश्चित अवसर मिलता है. निश्चित तौर पर आखिर में रिचर्ड, मैं आप रिचर्ड से मैं सवाल पूछूंगी. रिचर्ड, माई लास्ट क्वेश्चन टू यू इज, what are your best wishes to NIMS University and of course this MOU which you have signed with NIMS University? Well, I think NIMS University reflect very much the spirit of its founder, Professor Tomar. It's a forward-looking, dynamic, creative university. This, the signing of this agreement is a sign of such openness to the world, of such far-sighted spirit, and I think and I do believe, as I said before, that the mingling of culture, the openness to the world, the possibility to confront with each other experiences, competences, knowledge, is the only way we can have to for the future to grow as professionals, but also as people, as person. Thank you so much, Richard. Thank you so much, Dr. Vito, sir. Because NIMS University, एक ऐसा university India में, भारत में, जहां पर छात्रों को practically और समृद्ध तरीके से पढ़ाई करके अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलता है. निश्चित तौर पर डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर, जिन्होंने इसकी स्थापना की है NIMS यूनिवर्सिटी की, ये यूनिवर्सिटी उनके विचारों की बहुत बहुत हद तक उनकी एक तस्वीर के तौर पर सामने आती है. और दोनों ही देशों के बीच, यानी इटली और भारत के देशों के बीच, जो ये MOU साइन हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ कैटलिका और NIMS यूनिवर्सिटी के बीच, दोनों देश मिलकर आपस में काम करके अपने विचारों के आदान प्रदान के साथ एक उज्जवल भविष्य अपने छात्रों को दे सकेंगे. ना सिर्फ अपने छात्रों को बल्कि अपने देश को भी एक उज्जवल भविष्य, एक अच्छी समृद्ध संस्कृति दे सकेंगे. फिलहाल इसी के साथ इस विशेष पेशकश में इतना ही. मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ. नमस्कार. आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया NIMS पर. इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं. फेसबुक पर आप NIMS यूनाई पर हमें लाइक कर सकते हैं.